हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट की, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हो तो आपको सावधानी और जो सेफ्टी के जो गाइडलाइन होती है उसको ध्यान रखते काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और आप एक कहावत भी है कि जान है तो जहान है, अगर आप सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते काम नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए आज हम जो वीडियो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट के बारे में, कि इसके क्या क्या यूजेज हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको आपके लिए जानना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट के यूजेस क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट, आल्सो कॉल्ड स्कैफोल्ड नेट, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट को जो हम स्कैफोल्ड नेट भी बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट को हम स्कैफोल्ड नेट बुलाते हैं एंड डेब्रिज नेट भी बोलते हैं, ठीक है। डेब्रिज नेट क्यों बोलते हैं, कि जब कंस्ट्रक्शन ऊपर हाई स्टोरी बिल्डिंग पे हो रहा होता है तो उस पर जो डस्ट वगैरह गिरता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको भाई जो छोटी मोटी जो जैसे ब्रिकर हो रहा है या कुछ भी है तो वो नीचे जैसे चारों तरफ ना फैले तो उसको कंट्रोल करता है, नेट अपने अंदर ले लेता है उसको। जो बिल्डिंग के चारों तरफ हम नेट बांधते हैं वो इसलिए बांधते हैं कि जो डेब्रिस या डस्ट वगैरह होता है उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सच एज स्काईस्क्रेपर, जो हाई स्टोरी बिल्डिंग होती हैं और जो बहुमंजिला इमारत होती हैं उसमें हम यूज करते हैं, इट्स नेसेसरी टू इंस्टॉल टेम्परेरी वर्टिकल सेफ्टी बैरियर्स। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सेफ्टी के लिए भी, बैरियर्स एज ऑफ वेरियस फ्लोर्स टू प्रिवेंट टूल्स, कि ऊपर से कोई टूल गिरता है उसको बचाव के लिए कि नीचे किसी को ना लग जाए। कंस्ट्रक्शन मेटल सच एज रोड, जैसे जो कंस्ट्रक्शन के जो मेटल यूज होते हैं, जैसे सरिया होता है, ब्रिक्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, नेल्स होती हैं, जो ऊपर से गिरे एंड जो नीचे कोई बंदा जैसे कोई भी आदमी जा रहा है तो उसको हानि ना पहुंचाए, वो जो अगर गिरता है तो वो नेट उसको ले ले, उसके प्रोटेक्शन के लिए ही। फॉलिंग फ्रॉम द फ्लोर्स एंड इंडेंजरिंग पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑन द अंडरलाइंग लेवल इंक्लूड द ग्राउंड सरफेस, जो नीचे हैं उनको हानि ना पहुंचे, इसके लिए भी हम सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं, खुद के बचाव के लिए भी और दूसरों के बचाव के लिए भी हम सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं इसके मेन जो पर्पज़ हैं। द मेन पर्पज़ इज़ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट इज़ प्रोटेक्टिंग द वॉकर और वर्कर हु पासिंग द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कि एक तो जो भी इंसान है बिल्डिंग के आसपास से गुजर रहा है उसको हानि ना पहुंचे, उसके लिए भी ऊपर से कुछ गिर जाए उसको ना लगे उसके लिए भी, और एक जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है वर्कर है वो भी अगर उसको गिर जाता है कुछ भी उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा है टू अवॉइड द फॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मेटेरियल, जो ऊपर से कोई कंस्ट्रक्शन मेटेरियल गिरता है उसको बचाव के लिए भी, कि वो किसी को लग ना जाए, इसके लिए भी हम सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कंट्रोलिंग स्प्रे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डस्ट, कि जो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता है तो जो डस्ट स्प्रे होता है चारों तरफ फैलता है, धूल उड़ती है, उसके लिए भी हम ये जो है कंट्रोल करता है स्प्रे होने से डस्ट को सेफ्टी नेट। तो इसके बहुत बहुत यूजेज हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हो तो इसके यूजेज का आपको पता होना दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है, कि इसके यूजेज क्या हैं, क्योंकि ये कई बार आप इंट्रो के लिए जाते हो और ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि सेफ्टी नेट्स का यूज हम क्यों करें, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़,
और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। आई होप मैं कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।